जलेबी काश फस जाए। ये देवर जी के कमरे में अगर ई घर में रातें रंगीन हो रही है तो हमरे लिए फायदे की बात हो सकती है। दादाजी तू मुझे ये दादाजी मत बोला कर। तो का बोले आपको? ब्रिजमोहन जी बोल दिया कर। ठीक है ब्रिजमोहन जी। अरे जलेबी जी की जरूरत है, कब से आ रही हैं आप? जब बकाया पगार दे दोगे तब आ जाएंगे। जलेबी ये ले अपनी पगार। दादाजी ब्रिजमोहन जी क्या नाम बताया था? जलेबी। बड़ा मीठा नाम है तुम्हारा तो। जलेबी मुझे पता नहीं तू क्या चीज है, मेरा कुछ जुगाड़ हो तो ले आएगी किसी को मेरे साथ। पैसे की चिंता मत कर ब्रिजमोहन जी, पैसे की जरूरत तो हमें भी है। वैसे तो आपका उम्र हो गया है लेकिन आप हैं बड़े दमदार। आ गई महारानी, ये ले तेरी पगार। ये तो बस 2500 ही है। ये जो दिन भर तोड़फोड़ मचाते रहती है तेरे पगार से ही कटेंगे। जे दिन उसका कोई नब समय मिल गया ना उस दिन उसे मजा चखाएंगे। अच्छा तो ये चल रहा है देवर भाभी का खेल। साला इस फिल्म इंडस्ट्री में ना लोंडिया तक तो छोड़ यार, लोंडे तक भी सेफ नहीं है। यार इनको गुजिया खाने का तो शौक होता ही है, अगर मौका मिल जाए ना तो साले अपने बालूशाही भी साफ कर लेते हैं। जलेबी भाई आओ। जलेबी बाप रे, ई घर मां कोई मरद नहीं फिर भी ऐसा मैगजी। हमने तो बस सुना था और आज देख भी लिया।